गाइस hey आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग में प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो कल तक हम बात किए थे आरसीएच एनसीएच एंड आर आज हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन तो हम जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है सॉरी गाइस आज मैं नोट्स नहीं बना पाई हूँ इसलिए मैं आज बुक से पढ़ा रही हूँ आई होप यू अंडरस्टैंड तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल uh, हेल्थ मिशन नेशनल हेल्थ मिशन होता क्या है और किसके किसके लिए ये बेनिफिट है और इसके अंदर कौन कौन से सब मिशन्स आते हैं तो नेशनल हेल्थ मिशन ये इन इस टू सब मिशन ये दो इसके अंदर दो कैटेगराइज़ बांटा गया है जिसमें सब मिशन किया गया जिसमें फर्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसको हम लोग एन आर एच एम बोलते हैं और ये लॉन्च किया गया था ये पहले लॉन्च किया गया था और फिर न्यूली जो लॉन्च है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जिसको हम एन यू एच एम बोलते हैं तो ये दो सब मिशन में कैटेगराइज़ किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन को फिर है द मेन प्रोग्रामेटिक कंटेंट इंक्लूड द लेकिन जो है इसमें जो मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट है वो है क्या इसका जो रूरल और अर्बन एरिया के लिए स्ट्रेंथिंग बना है वो क्या है रिप्रोडक्टिव मेटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ के लिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टफॉर्म में आर एम एन सी एच प्लस ए फिर बात करते हैं आगे द एन एच एम इमेसिस अटैचमेंट ऑफ यूनिवर्स एसेस टू equitable, affordable and quality healthcare service and the accountable and responsive to the people needs. जो भी people का जो responsible है health के लिए जो needs है वो क्या होना चाहिए affordable होना चाहिए जो भी उनका है, उसमें होना चाहिए, जो भी उनका income है उसमें afford होना चाहिए quality जो भी health care service provide हो रहा है वो quality में नहीं अच्छा quality के होना चाहिए अब आगे बात करते हैं तो अब देखते हैं national rural health mission क्या होते हैं उसके बारे में तो ये कब लॉन्च किया गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया था और लॉन्च कब किया गया था अप्रैल 2005 में द पीरियड ऑफ सेवन ईयर और ये सात साल लग गए थे यानी कि 2005 से 2012 तक इसको लॉन्च करने में टाइम लग गया था द मिशन सिक टू इम्प्रूव द रूरल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और ऑन न्यूट्रिशन ये ना जो रूरल हेल्थ केयर है ना जो भी ग्रामीण क्षेत्र में है उनका जो डिलीवरी सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है उसमें न्यूट्रिशन जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव करना है सैनिटेशन जो भी इन्वयमेंट में है उसको सैनिटाइज करना सैनिटाइज मतलब यानी कि न, क्या बोलते हैं उसको साफ सफाई साफ रखना फिर हाइजीन अपना पर्सनल हाइजीन रखना और एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो भी ड्रिंकिंग वाटर है जैसे पहले कुआँ वगैरह था तो अब नल लगा दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू चलिए बेसिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और बेसिक हेल्थ केयर जो भी है जैसे कि आप नॉर्मल मेडिसिन वगैरह लेने जाएंगे तो आपको सब सेंटर पे ये प्रोवाइड किया जाएगा इट अल्सो ब्रिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन आयुष टू द मेंटेन स्ट्रीम ऑफ द हेल्थ केयर और भी जो आयुष यानी कि जो भी चाइल्ड के लिए केयर प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पे अवेलेबल किया गया है मेडिसिन यानी कि आयुष मतलब आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी ये भी जो है ये बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं अब सब सेंटर पे आपको एक अलग से सब सेंटर पे एन एम आशा आंगनवाड़ी दिखेंगे और आपको आयुष डॉक्टर भी दिखते हैं भाग्य बात करते हैं स्टैंडिंग ऑफ द सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पी एच सी सी एच सी एंड इम्पॉर्टेंट पैन एन एच आर एम डिस्ट्रिक्ट बिकम द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग बर्डनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम जो भी सी एच सी पी एच सी है वो ए, किसके अंडर प्लान किया गया था एन आर एच एम के अंडर प्लान किया गया था डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिशन जो भी अकॉर्डिंग टू एन एच एन एच आर एम प्लान ऑल्सो वर्टिबल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भी फैमिली हेल्थ वेलफेयर है उसका अंडर एन एच एम आर रखा गया है और क्या है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया गया है स्टेट लेवल पे भी जो हेल्थ लेवल है उसको प्रोवाइड किया गया है देर आ, देर शुड बी प्रोविजन ऑफ मोबाइल मेडिसिन यूनिट एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पी पी मॉडल अंडर दिस प्रोग्राम और ये इसके प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं पी पी मॉडल भी देखते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी पब्लिक होते हैं जैसे कि मेडिसिन में अगर शॉप खोलें तो उसमें भी पार्टर पार्टनरशिप देखने को मिलता है अब देखिए इसमें कितने सारे आपको फुल फॉर्म देखने को मिल रहे हैं। जो भी फुल फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉर्सेट वगैरह इम्स वगैरह के एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ज़्यादा दिए जाएंगे और इसको क्वेश्चन एराइज़ होते हैं इसी के अंदर तो कुछ कुछ फुल फॉर्म आप देख सकते हैं जे एस वाई एफ बी एन सी एच बी एन सी एन एस एस के जे एस एस के आर बी एस बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं सेकेंड सबमिशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जिसको हम लोग न्यू स्कीम भी बोलते हैं ये तो ओल्ड स्कीम हो गया बट ये जो किया गया है वो अर्बन में अब नया लागू किया गया है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एन यू एच एम आल्सो सबमिशन ऑफ द एन एच एम हैज़ बी अप्रूव बाई द कैबिनेट ऑफ फर्स्ट मे दो हज़ार तेरह ये फर्स्ट मे दो हज़ार तेरह कैबिनेट के थ्रू ये अप्रूव्ड किया गया था एन यू एच एम इम्फेसिस टू मीट द हेल्थ केयर नीड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन विद द फोकस ऑफ द अर्बन पुअर बाई द मेकिंग एवेलेबल टू देंसल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस एंड रिड्यूसिंग दियर आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस ऑफ द ट्रीटमेंट जो भी पुअर जो भी पोवर्टी लाइन में जो अर्बन हैं जैसे कि इस्लाम एरिया वगैरह में जो पर्सन रह रहे हैं वो अपने पॉकेट एक्सपेंसिव मतलब वो खर्च ज़्यादा नहीं कर सकते अपने ट्रीटमेंट के लिए तो उनके लिए ये स्कीम लाया गया था दे विल भी अचीव देंथिंग ऑफ द एक्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विस डिलेवरी सिस्टम टारगेटिंग पीपल लिविंग इन द इस्लाम एंड कन्वर्ट

पर्सन है जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनके लिए ये न्यू मिशन अर्बन में जैसे कि ये तो रूरल में किया गया था बट ये अब अर्बन में भी है कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पॉवर्टी पर्सन है, उनके लिए ये स्कीम न लागू किया जा जो कि अपने डिलीवरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक्सपेंसिव मेडिसिन वगैरह नहीं कर पाते उनके लिए ये स्कीम लागू किया था अब आगे बात करते हैं इंडियन न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो भी न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए क्या क्या एक्शन प्लान इंडिया में लागू किया है The INAP was launched in the September 2014 for accelerating the reduction of the preventive neonatal health and stillbirth in the country with the goal of attending single digital neonatal mortality rate NRM, by the 2030 and the single digital stillbirth rate. The India New Action Plan is an India-committed response. इसमें यही कह रहा है ना कि जो भी डेथ रेट वगैरह लॉन्च कब किया गया था 2014 में और ये रिडक्शन ऑफ द प्रिवेंट जो भी न्यूनिट का जो डेथ हो रहा है उसमें रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए ये किया गया था स्टिल बर्थ जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं एक एकट गोल आपको अटेंड करना है सिंगल डिजिटल न्यूनटर मोटेलिटी एक ऐसा गोल कि तैयार किया गया दो तक एक आंकड़ा लिया गया है कि आप दो तक सिंगल मोटलिटी रेट बहुत हद तक कम हो जाएगा और जो भी सिंगल डिजिटल स्टील बर्थ है जो बर्थ है वो भी एक स्टील वे में चलेगा एक नि, निरंतर यानी कि जो आप फैमिली प्लानिंग के ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा चलिए अब आगे बात करते हैं द ग्लोबल एवरी न्यू बॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च इन जून 2014 टू एडवांस द ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर वुमेंस एंड द चाइल्ड हेल्थ ये क्या है ग्लोबल हेल्थ ये क्या है एवरी न्यू बॉर्न एक्शन प्लान जो भी ये बॉर्न बच्चे हैं सबके लिए वो लॉन्च कब किया गया था जून 2014 में किया गया था ये स्ट्रेटजी एडवांस लेवल पे वुमेंस और चाइल्ड के हेल्थ के लिए किया गया था इट इज़ अ गाइड टू सिक्स प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेशन इक्वालिटी जेंडर ऑफ केयर कॉन्वेंसेशन एक्मिलट एंड पार्टनरशिप आई एन पी वर्जन एंड सपोर्टेड बाई द एंड पार्टनरशिप इट इज़ अ क्लियर वर्जन सपोर्टेड बाई द गोल स्ट्रेटी इंटरवेंशन पैकेज पैकेज प्रायोरिटी एक्शन एंड द मोनिटरिंग फ्रेमवर्क और सिक्स इंटरवेंशन कौन कौन सा है तो देखते हैं प्री कंसेप्शन एंड एंटीनेटल केयर जो भी बच्चे हैं उसको प्री कंसेप्ट करना है कि क्या उसको डिजीज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है और एंटीनेटल केयर करना है यानी कि जो भी बच्चा डिलीवर हो रहा है उससे पहले उनको मदर को केयर देना है केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड चाइल्ड जो भी बच्चा है उसको केयर uh, कब करना है मदर है उनको डिलीवरी ड्यूरिंग केयर करना है और बच्चा जब पैदा हो रहा उसके है उसके दौरान इंटीमिने इंटीमेट न्यूबर्न केयर जो भी बच्चा है न्यूबर्न हो रहा है उसको इंटीमेट केयर देना है तुरंत केयर ऑफ हेल्दी न्यूबर्न और जो हेल्दी न्यूबर्न है उसको भी केयर देना है। केयर ऑफ अ स्मॉल एंड सिक न्यू वर्न हेल्दी बॉर्न को तो आप दे दिए कि जो हेल्दी और जो बीमार पर्सन छोटा बच्चा है जैसे कि थर्टी सेवन वीक्स से पहले ही पैदा पह हो उसको भी केयर देना है केयर बियॉन्ड सर्वाइवल और बच्चा जो सर्वाइवल कर रहा है जैसे सर्वाइवल एक लाइक नहीं है उसको भी हम लोग केयर प्रोवाइड करेंगे और थर्म रूल्स ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द पैकेज कुछ कुछ थर्म रूल्स देखते हैं आइए ऑल इंटरवेंशन डिलीवर एट द फैमिली एंड अ कम्युनिटी लेवल आर अबलेबल एट आउटरीच एंड सब सेंटर लेवल ऑल इंटरवेंशन डिलीवरी बाय द आउटरीच एंड द सब सेंटर लेवल ऑल्सो डिलेवर बाई द हेल्थ फैसिलिटी जैसे कि सब सेंटर लेवल पे आपको आसा आंगनबाड़ी और एन एम आपको केयर uh, प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स um, कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर uh, में देखेंगे अंडर फाइव क्लिनिक्स क्या क्या है जो अंडर फाइव क्लिनिक्स के अंदर आते हैं तो आप शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए थैंक यू बाय